योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन वीर लोक पर सुरक्षा कवच वापस लगाया जा चुका है। और बालवीर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। और ऐसे में तुम्हारे उस नए मेहमान को यहां कैसे लेकर आएंगे दिमनासा? वीर लोक के सुरक्षा कवच से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है एक और कवच भैमार, एक माँ की ममता का कवच है। एक माँ की ममता किसी भी कवच को तोड़ सकती है, और उसी ममता का फायदा उठाएंगे हम उस नए मेहमान को लाने के लिए। पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा आपके, फिर भी सवाल पूछने में शर्म आ रही है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरा पूछिए ना बहरानी से, कौन सी माँ, किसकी माँ, मतलब कालू की सरल भाषा में समझाइए हमें। समझना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ पृथ्वीलोक। भैरानी, ये गलत बात है। मुझे पहना दी एक लंबी सी कच्ची और खुद बन गई एक खतरनाक चुड़ैल से एक प्यारी सी बच्ची। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वीर लोक वाले कह सकते हैं। वीर लोक वालों को भूल जाओ, तौबा तौबा, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो उनकी सोच से भी परे है। अब मैं देखती हूँ कैसे होता है विवान का वीर तिलक। चल बेटा जल्दी छेड़ा की दुकान पर चलते हैं, दिवाली की वजह से वहाँ बहुत भीड़ लगी पड़ी है, और बाद में तुझे दिवाली के महत्व के बारे में भी समझाना है। हाँ दादाजी, क्यों नहीं, आज आपसे सब कुछ चमत लेना चाहता हूँ। अरे छेड़ा 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 जी, अरे मुझे कब से खड़ा रहे, मेरा जल्दी दे दो, लेट हो रहा है। छेड़ा जी जल्दी जल्दी छेड़ा, अरे छेड़ा 750 ग्राम गुड़ देना। गुड़ गुड़ अंकल, गुड़ दीजिए ना। अरे आप लोग एक एक करके बोलिए, मेरे सिर्फ दो ही कान है और मेरा एक ही हाथ चल रहा है। 50 रुपए दीजिए। अरे छेड़ा जी, मैंने तो नमक मांगा था, आपने तो खाने वाला सोडा दे दिया। अरे भाई क्या करूं, एक तो दिवाली की वजह से इतनी भीड़ है, और छोटू को भी आज ही छुट्टी करनी थी। अरे छेड़ा, अरे छेड़ा गुड़, छेड़ा मैं यहां हूं, छेड़ा छेड़ा जल्दी करो। अरे छेड़ा जी, छेड़ा जी आप कहो तो आज के लिए मैं आपका छोटू बन जाऊं। हां अंकल, इनका बात रखो, दिवाली पे आपका दिवाला निकाल देंगे। जी नहीं, बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर जो लोग बाहर से चिप्स के पैकेट चोरी करते हैं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगा। अच्छा, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो लग जाओ, चाय पानी शाम का नाश्ता और 200 रुपया रोज का दे दूंगा। अरे सही है, मंजूर है, चल बताइए क्या चाहिए आपको। अरे सुनो सुनो, तुम इनको अटेंड करो, मैं बाकी सबको देख लूंगा, ये सब पर भारी है। हाँ भाई। हाँ तो बताइए दादाजी क्या चाहिए आपको। 750 ग्राम गुड़ चाहिए दादाजी के लिए। ठीक है, गुड 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 गुड, ये रहा। हो गया। अरे 4 ग्राम ज्यादा क्यों दे रहे हो, छेड़ा अंकल का तो नुकसान करवा रहे हो ना। ठीक है ठीक है, ओके बेटा 2 ग्राम गुड़ कम है। अरे दादाजी 2 ही ग्राम तो कम है। पूरा पैसा देंगे तो 2 ग्राम गुड़ कम क्यों लेंगे,
छोटू। ठीक है, ये 2 ग्राम, ठीक है, ये 5 ग्राम ज्यादा हो गया। अरे काका, मेरी तरफ से 5 ग्राम एक्स्ट्रा दिवाली का बोनस समझ के ले लो। नहीं नहीं छेड़ा जी, हम 750 ग्राम गुड़ ही लेंगे ना, हम अपना हक छोड़ते हैं ना किसी का हक मारते हैं। मारो एक थप्पड़ मुझे। लेकिन क्यों बैरानी? देखो उधर, बाल परी मस्ती परी, जल्दी मारो मुझे। अब देखो, अगर बच्चे पर हमला होगा तो बाल परी उसे बचाने जरूर आएगी, समझे? अब मारो मुझे। अरे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है भैरानी, कहीं आपने गुस्से में आकर मुझे जिंगूर बना दिया तो? तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें मच्छर बना दूंगी। नहीं नहीं, मारता हूँ मारता हूँ। नहीं भैरानी, नहीं, आप अगर इस बच्ची के रूप में ना होती तो 2-4 झापड़ लगा देता आपको, लेकिन आपका ये रूप देखकर हाथ नहीं उठ रहा है भैरानी मेरा। नहीं नहीं नहीं, अरे भैरानी को थप्पड़ जड़ के तो बड़ा सुख मिला, जैसे बरसों की भड़ास बाहर आ रही हो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे वो लड़का उस बच्ची को कितना मार रहा है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे। मस्ती परी तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। वाह भैरानी, चिल्लाने का बहुत बढ़िया नाटक कर रही है आप, एक तो असली लग रहा है। असली इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं सच में चिल्ला रही हूँ। अच्छा देखो, ये नाटक है, धीरे मारो। ओ रुको रुको रुको, उठो, क्यों मार रहे हो इसे? फंस गई मछली कांटे में। देखो भाई, जब तक कांटा 750 ग्राम पे नहीं आता तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लगता है अब एक ही रास्ता है, मुझे अब वही करना होगा जिसका मैं हमेशा से खिलाफ था, जादू। अरे देखिए दादाजी, हो गया 750 ग्राम, ठीक है। ये हुआ ना इंसाफ का तराजू, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। हाँ। चलो दे दो फटाफट। अरे ये लो। अरे बेटा मैंने 100 रुपये दिए, 50 रुपये लेकर तुम आ जाना। ये गुड़ के इंसाफ के चक्कर में मुझे मंदिर जाने में देर हो गई, मैं मंदिर जाता हूँ, तुम 50 लेकर आओ। अब होगी इसकी लोभ परीक्षा, ये लो। अगर 500 का नोट देखकर तुम वापस आए तो लोभ परीक्षा में तुम सफल हो जाओगे, और अगर नहीं आए तो तुम बालवीर बनने के लायक नहीं हो। क्यों मार रहे हो क्या? मैंने इसकी चॉकलेट छीन ली तो ये शोर मचाने लगी, और शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम क्यों मार रहे हो इसे? तो क्या हुआ, आजकल जमाना ही वैसा है, जो गलत है वही सही है। शोर मचाएगी तो, शोर मचाएगी तो। रुको तो, रुको। रुको, तोबा तोबा, बाल परी यहाँ आ चुकी है, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब इसे तो सबक सिखाना ही होगा। आ, आ, आ। तोबा तोबा,
अगर तुम नहीं रुके तो ये तुम्हें जादू से चूहा बना देगी। सॉरी सॉरी मेरा दिल बदल गया, मुझसे गलती हो गई। ये लो तुम्हारी चॉकलेट वापस, ये लो। आगे से ये कसूर कभी नहीं होगा, गलती हो गई मुझसे। अगर दोबारा कभी चॉकलेट खाने का मन होगा तो खजूर खा लूंगा, ठीक है? भागता हूँ मैं। अच्छा बच्चा उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी पानी लेकर आई। ये तो पांचों का नोट है। बस 4,000 रुपए इसमें कैसे आएगी? सलमान भाई वाली शेरवानी 1,000 आप दे दो प्लीज। नहीं मिलेंगे। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदने में सिर्फ 500 रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी ने कहा था कि जिस पैसे पे अपना हक नहीं होता वो रखना बिल्कुल गलत बात है। बहुत अच्छे विवान, पहली बार खुद को गलत साबित होते हुए देखकर खुशी हो रही है। लेकिन अगर मैंने ये पैसे वापस कर दिए तो शेरवानी कैसे खरीद पाऊंगा? दादाजी से उम्मीद थी लेकिन वो तो अपने गुड़ के 50 रुपए भी वापस देने को भूल कर गए हैं। जात की बदली 500 का नोट दोस्त भैया ने दिया है तो फिर गलती उनकी हुई ना, मेरा तो सब गुड लक हुआ। मुझे फौरन ये बात माँ को बतानी होगी। अरे छेड़ा जी इनको 20 रुपए दे देना, मैं अभी आया। अरे ये लो पानी पी लो। मुझे उस लड़के से बचाने के लिए शुक्रिया बालपरी। इसे कैसे पता चला कि मैं बालपरी हूँ? सुनो अरे अभी तो यही थी ये लड़की, कहाँ गई? यही होनी चाहिए वो बच्ची, कहाँ गई? आओ बालपरी, आखिर फंसी गई तुम मेरे कांटे में। अब समय आ गया है काल लोक जाने का। माँ, विवान लोप परीक्षा में हार गया। लेकिन बालवीर परम परीक्षा में अभी भी 2 इम्तिहान बाकी है और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है माँ, लेकिन काले तारे का समय नजदीक आ रहा है,
इसका मतलब है हमें वीर तिलक जल्द से जल्द करना होगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि विवान की बाकी की दो परम परीक्षाएं जल्द से जल्द पूरी की जाए। हाँ ठीक है बालवीर, चलो। चलिए। पृथ्वी वालों की एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। आपके साथ हो रहा है बहरानी। बाल परी तो भावनाओं के कांटे में फंसे नहीं, उल्टा आपकी मरम्मत हो गई तबीयत से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, थालो वाले बोलेंगी। तिमनासा, लगता है तुम्हारी चालाकियां पुरानी हो गई हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैमार कि तिमनासा के कांटे में ये भोली सी बाल परी ना फंसे। रुको, मुझे मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम दोनों जाओ मैं आती हूँ। लेकिन बाल परी, इस समय परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी, फिलहाल तुम दोनों वैसा करो जैसे मैं कह रही हूँ। ठीक है। देखा, सदियों से ये तरकीब काम करती आ रही है, जज्बातों में बहने की। इन जज्बातों में आकर कोई किसी के लिए जान देता है तो कोई किसी की जान लेता है। अब जल्दी से तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और अग्नि द्वार बनाओ। मैं इस बाल परी को लेकर जल्दी ही आती हूँ काल लोक। ठीक है, चलिए बना जा। सुनो, अब तुम्हें काल लोक ले जाकर ही रुकूंगी मैं। सुनो मेरी बात सुनो। रुको, पहले क्यों रोक दिया इसने? इतनी दूर से तो बाल परी को अग्नि द्वार के अंदर खींचना नामुमकिन है। बेटा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया बाल परी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। अरे रे, कितना कुछ सिखाएगा आखिर ये तोबा तोबा आपको? सर में कुछ है भी या धूल भरी आंधियां उठ रही है सर के अंदर? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कालो पाले बोलेंगे आपको ये अग्नि द्वार बनाते हुए देखकर। अरे बाल परी को यहाँ आने तो दीजिए, उन्हें ये अग्नि द्वार नजर आया तो वो चौकन्नी हो जाएगी और फिर अपने जादू से मुझे कीड़ा और आपको मकोड़ा बना देगी, चलेगा आपको? है तो तू बेवकूफ, कभी कभी अकलमंदी की बात कर देता है। हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? इस विवान को तो देखो, ये अभी से ही लोक परीक्षा में असफल होता हुआ दिख रहा है। देखना गोपूसूती, इस बार दिवाली का स्टाइलिश सितारा विवान ही जीतेगा और तुम दोनों को भी रहना रवाना है, ठीक है ना? ताकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज विवान की बटन को मिले और चिंटू चिंटी को मिले खेलने का छिलका। लेकिन तुझे अपनी स्मार्टनेस पे इतना भरोसा कैसे कि तू ही फर्स्ट प्राइज जीतेगा? ना तो तू चीफ गेस्ट का भांजा है और ना तो तेरे ऊपर बालवीर का आशीर्वाद है। फिर नहीं चाहिए मुझे बालवीर का आशीर्वाद। मेरे ऊपर तो मेरी माँ का आशीर्वाद है। Oh my God, तू कंपटीशन के जज को रिश्वत देगा फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए?
वेरी बैड विवान। अरे सुतली, विवान कभी रिश्वत नहीं देता, और मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदूंगा और कॉम्पिटिशन में छा जाऊंगा। तो ये 500 रुपए अलग से। लो। अरे तुम लोग भी क्या इनकम टैक्स वालों की तरह इतने सवाल पूछ रहे हो? वैसे तू बता ना, तू कौन सा ड्रेस पहनने वाली है? मेरे पास तो ना गुल्लक है ना गुडलक है, नो मनी नो ड्रेस। बता ना सुतली। चल ठीक है, तू सेकंड प्राइस जीत लेना, पप्पू तू थर्ड जाएगा, चलेगा ना? अब तो बता कौन सा ड्रेस। ना मुझे माँ ने एक काम दिया था, याद आ गया, मैं जाती हूँ। अब इसको क्या क्या याद आ गया? विवान, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं देखा, मम्मी तुझे बुला रही है। अचानक कैसे कैसे हो सकता है, छुटली को अपनी मम्मी याद आ गई और मेरी मम्मी को मैं याद आ गया। चलो दीदी। इसने तो अपने दोस्तों तक को सच नहीं बताया। ये लोग परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो चुका है। तो क्या विवान सच में बालवीर बनने के लायक नहीं है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।